Well, hello there. Welcome back to another episode of Sky Factory. Boys, we are back. So, बात करें पिछली वीडियो की तो उसमें क्या किया था हमने, उसके अंदर मैंने एक्चुअल में ये फ्लोर बनाया था। और अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी जाके तो लिंक वुड बी इन डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट नाउ। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने एक और चीज बनाई थी जो था अपना वॉइड माइनर, एंड मैंने ज्यादातर एफके नहीं किया तो ये वर्क नहीं करेगा अच्छे से, और ना ही जो है इसको अच्छे से पावर मिल रहा था तो उस तरह से भी वर्क नहीं करेगा। देखो बहुत मुश्किल से आ रही है चीजें, मुझे लगता नहीं है कि इतने डायमंड्स होंगे, लाइक 5 डायमंड इधर है एंड चीजें स्मेल्ट नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो हमारे स्मेल्टर है इनको एक्चुअल में 100 की RF वगैरह की जरूरत पड़ती है जो काफी हाई है, जो मिलना बहुत मुश्किल है अभी के लिए। तो इसलिए जो है मेरे को पावर सिस्टम पे और काम करना पड़ेगा, उसे थोड़ा सा एडवांस या थोड़ा सा तगड़ा करना पड़ेगा अभी के लिए तो, एंड देन उसके बाद ये अच्छे स्मेल्ट वगैरह करेंगे। बट 22 डायमंड आ गया यार, ठीक है अभी के लिए तो इतना ठीक है। सोलर पैनल से क्या ही एनर्जी दे लेंगे भाई, बताओ क्या ही दे लेंगे, ठीक है। सो इसीलिए मैं थोड़ा सा वर्क करूंगा इसके ऊपर भी, एंड एक और चीज करनी थी मुझे, करनी नहीं थी एक्चुअली, मैंने एक और चीज की थी जब मैं ऑफलाइन था कि मैंने इतने सारे डायमंड सीड से निकाल लिए, क्योंकि मेरे पास बोन मील पड़े थे काफी सारे, यहाँ पे पड़े नहीं थे, मैंने खरीद देते। ये देखो भाई, ऑलमोस्ट 2 stack मैंने बोन मील खरीदे थे, ओके, और मैंने अपने सारे के सारे कॉइंस उड़ा दिए इसी चक्कर में, मेरे पास ये सारी चीजें भी आ गई हैं, तो इनका यूज करके आज बना लूंगा मैं। और एम्बरल्ड की जरूरत है क्या, एम्बरल्ड और नौ आ जाएगा 10, तो मैंने एक्चुअल में पूरे के पूरे 10 बना लिए, और मेरे सारे के सारे वो नेदर स्टार खत्म हो चुके हैं, तो मैं इससे ज्यादा नहीं बना सकता हूँ। मुझे काम करना है ऑयल रिफाइनरी, ऑयल जनरेटर या रिफाइनरी क्यों बोलते रहे तो मैं इसे, ऑयल जनरेटर पे एक्चुअली में, और एक वहां पे पावर कोर लगाना है एंड एक वहां पे भी लगाना है। अब ऑयल जनरेटर्स की बात आ ही गई है तो चलो एक बार ट्राई कर ही लेते हैं। ऑयल जनरेटर कितने ही महंगे हैं, लाइक एक्चुअल में महंगे तो बहुत है, लाइक कॉस्टली है भाई, बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से, ठीक है। सो इसे बनाना मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला सबसे, नहीं ये वाला भी नहीं, पीले वाला ओके। सो इसे बनाने के लिए हमें ऑब्सीडियन एंड एज वेल एज आयरन के ब्लॉक भी चाहिए रहते हैं, लाइक इसके अंदर सीधा ब्लॉक्स यूज हो रहे हैं ना कि कुछ और, ठीक है बना लेते हैं, ठीक है। तो एक आ चुका है हमारे पास ऑयल जनरेटर जो 80 की पावर जनरेट करता है, जो फिल भी भाई ठीक है, बहुत सही अभी भी ठीक है, बट इसको अपग्रेड करने जाओ तो भाई हालत खराब होने वाली है, क्योंकि इसमें लगने वाले और आयरन में पर एक्चुअल में है, रुको 2 मिनट। कि मैं 16 बना सकता हूँ एक्चुअली में, बट इसको अपग्रेड करने जाओ तो भाई हालत खराब हो जाएगी, अपग्रेड करने के लिए और ज्यादा डायमंड्स लगने वाले हैं भाई 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 भाई। सो फिलहाल के लिए तो देखो अभी ये 80 जनरेट करते हैं, जो अभी के लिए मेरे लिए काफी अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 मेरे पास कितने 17 है, तो 10 हम फिलहाल के लिए लगा देते हैं, बाकियों को मैं बाद में लगाऊंगा। अबे मुंह इसका इस साइड क्यों है, ओके तो इनका मुंह थोड़ा सा गलत नहीं आ रहा एक्चुअली में, ये मुंह ठीक है, इसी साइड को होना चाहिए, इनका मुंह इधर एक आ जाएगा एंड इधर एक आ जाएगा, ठीक है इधर एक आ जाएगा एंड मतलब मैंने सोचा था कि मैं ऐसे लगाऊंगा एंड फिर यहाँ पे जो बड़े वाले सोलर पैनल्स है वो लगाने वाला हूँ मैं। अब देखो यार ये 80 का जनरेट करते हैं तो मोर देन इनफ है फिलहाल के लिए, ये 40 का वो 80 का भाई, यू नो ये चल जाएगा अभी के लिए, बस इसे अपग्रेड करूंगा मैं। ये जो अभी 9 पड़े हैं मेरे पास, इसको अपग्रेड करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि मैं इसको मैक्स लेवल हिट कर दूं, एंड जैसे मैक्स लेवल हिट होगा इसका जो 120 करता है गैस, उसे मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। अभी के लिए तो इन सबको हटा देते हैं साइड में। If you remember कि मेरे पिछले वीडियो में ट्रम्पेट बनाया था जो 30 का डैमेज करता था, बट ये एक्चुअली में 30 का डैमेज नहीं करता है, कुछ अजीब सा इसका डैमेज रेशियो है, ठीक है। ऐसा मैंने एक और चीज चेक की कि इसके अंदर गन्स वगैरह भी तुम्हें मिलेंगी एंड और भी थोड़ी बहुत चीजें हैं जो मतलब अजीब सी है भाई, ठीक है बनाने वाली चीजें तो नहीं है बट अजीब सी है, जैसे कि देखो गन्स वगैरह तुम्हें मिलेंगी, लाइक ये विदर गन, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं यार इनके अंदर, ये विजार्ड वजूड की चीजें भी हैं जो देखेंगे भाई, अनलॉक करना होगा तो करेंगे, नहीं तो भाई भाड़ में गई सारी चीजें। वो चीज भाड़ में नहीं गई है, वो है हमारा क्या आर्मर, एक्चुअली में मुझे डायमंड का आर्मर की जरूरत है एंड इंचांटमेंट्स की जरूरत है भाई, एक अच्छा सा इंचांटमेंट भी चाहिए। बट अगर तुम्हें पता हो कि मैंने अभी तक एक भी शुगर केन फार्म नहीं बनाया, तो एक शुगर केन फार्म की वजह से जरूरत नहीं है, शुगर केन तो मैं ऐसे भी खरीद सकता हूं, बट एक जस्ट वो लगाने के लिए ना, एक मतलब एक दिखाने के लिए एक शुगर केन फार्म बना लेते हैं एक्चुअली में आईलैंड में। सो मेरा फार्म एक वहां पे है और एक यहां पे सेंटर पोजीशन में कर देते हैं, ठीक है। तो लाइक हो जाएगा अच्छा सा, देखो एक इस साइड पे हमारा फार्म एंड एक उस साइड पे हमारा शुगर केन फार्म हो जाएगा, ठीक है। बट अब देखते हैं इसे तैयार कैसे किया जाए भाई।
फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, इसे थोड़ा सा बड़ा और करूँगा मैं, लाइक यहाँ तक इसे सर्कल को मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। बट मेरे को एक चीज़ अभी भी आ रही है कि वाटर का इंतजाम कैसे किया जाए, क्योंकि यार इतनी सारी चीज़ों को भरना या आईडियो नो यार, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। एक एक बकेट को वापस से आना जाना, एंड मेरे पिगमैन में कन्वर्ट हो गया एक्चुअली में। ओह शेट, पता नहीं थंडर कब हुआ मुझे नहीं पता। Well, जैसे मैंने सोचा था ये बकेट उस तरह कतई वर्क नहीं करती है। मेरे को लगा था कि कमांड ब्लॉक की तरह, सॉरी कमांड की नहीं, एक्चुअल में क्रिएटिव मोड की तरह वर्क करेगा कि एक पे लगाऊं तो लगता ही जाए एंड कुछ भी खत्म ना हो। बट वर्क एक कमांड ब्लॉक की तरह करती है कि अगर तुम्हारी बकेट खाली हुई तो तुम्हारी इन्वेंट्री में एक और बकेट आ जाएगी, समथिंग लाइक डेट, अगर तुम समझ सकते हो तो। वेल, मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत शुगर के इम्प्लांट कर दिए, बाकी मेरे खत्म हो गए हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ बुक्स को खरीदने वाला हूँ जब तक शुगर के इन ग्रो होती हैं, एंड एक आधा इंचांटमेंट टेबल बना लेते हैं। एक्चुअली में दो बनानी है मुझे। यहाँ पे मैं 77 या कुछ 64 बुक्स खरीद सकता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, मेरे को ये भी चलेंगी। एंड मेरे पे डायमंड ही खत्म हो गए भाई, बहुत सही। वो इंचांटमेंट टेबल बना लेता हूँ, एंड मुझे एक नई बोतलें टाइप की कुछ चीज़ें बनानी थी, जो एक बड़े मुंह की बोतलें आती हैं, ठीक है। वो ये रहा। सो इसके लिए चाहिए तुम्हें लैपिश, एंड लैपिश तो ये रहा भाई। सो ये बड़े मुंह की बोतलें मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि इनसे एक और चीज़ बनने वाली है। अगर तुम लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये तुम्हारे एक्सपी को कलेक्ट कर लेता है, जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि तुम इससे बना सकते हो एक कहाँ गया भाई, एक न्यूली क्राफ्टिंग टेबल जो है ओवर इंचांटर। तो ये दोनों इंचांटमेंट टेबल की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, और इनकी जगह मैं कहाँ पे रखूँ भाई, अब जगह बची नहीं है यार आइलैंड पे, वहाँ पे एक थोड़ी जगह बची है, एंड वहाँ पे थोड़ी जगह बची है, मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि इंचांटमेंट टेबल का ज़्यादा यूज़ तो होता नहीं है, लाइक एक बार कर लिया तो फिर ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला है इसका। तो इसीलिए मैं इससे अभी के लिए कुछ सेफ साइड पे रखता हूँ, जहाँ पे मैं कम ही जाता हूँ, जो है ये वाली जगह। एंड मेरे को लगता है यार मैं यहाँ पे बहुत ही कम जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं अपना इंचांटमेंट सेटअप, यहाँ पे। सो इसको रखते हैं ओवर इंचांटर को यहाँ पे, एंड अपने इंचांटमेंट टेबल को यहाँ पे, एंड यहाँ पे आएंगे हमारे बुक शेल्फ थोड़े बहुत, अगर हो सके तो आप बना ही लेते हैं ना, अभी है तो सब कुछ तो बना लेते हैं जल्दी। ओके, तो फिलहाल के मेरे इतनी बुक शेल्फ थी, इसे अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि ये अभी भी वियर्ड लग रहा है, लाइक इसे थोड़ा सा मैं अट्रैक्टिव करने की ट्राई करूंगा मैं, बट अभी फिलहाल के लिए ये ठीक है, ठीक है। अब ओवर इंचांटर में तुम्हें दो तीन चीज़ें मैं दिखा देता हूँ कि इसके अंदर तुम्हें अनकॉमन एंड कॉमन बुक्स मिलती है, जिसे तुम खोलोगे एज अ लकी ब्लॉक, एंड उसके अंदर से तुम्हें शार्पनेस 10 मिल सकती है या 10 कुछ भी मिल सकता है, बस ऐसा कुछ ही ये वर्क करता है। लाइक तुम्हें मैक्सिमम 10 तक जा सकती हो, जैसे फॉर्चून 10 मिल सकती है, शार्पनेस 10, प्रोटेक्शन 10, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं ओवर इंचांटर के अंदर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता उसके अंदर। बट मैंने ये सारी चीज़ें की और एक्सपी के ऊपर ध्यान ही दिया, और एक्सपी के रिलेटेड कुछ है क्या मेरे पास, मशीन्स या कुछ भी ऐसा हो मेरे पास तो यू नो यार अपन कुछ कर सकते हैं इसके ऊपर, बट वी डोंट हैव अ सिंगल थिंग ऑन एक्सपी। सो इट मीन्स कि मेरे को एक्सपी की बोतलें जो है एक्चुअल में यहाँ से खरीदनी पड़ेंगी, एंड देन खुद के ऊपर स्प्लैश करनी पड़ेंगी, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वैसे मेरे पास फार्म है ये मॉब वाला, जो अच्छा खासा वर्क कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट भी खड़ा रहूँ ना नीचे ही, मेरे पास भर के एक्सपी आ जाएगा, ठीक है। बट यार नहीं यार, मेरा मन नहीं करता यार फार्म वगैरह पे खड़े होना, इससे अच्छा कि मैं थोड़ा सा AFK करूँगा तो हो जाएगा मेरा काम। ठीक है यार, अभी के लिए तो रहन दो भाई, अभी नहीं करना है मुझे और कुछ भी। Well, that's it for today, और अगले वीडियो पे काम करेंगे XP के ऊपर, एंड पावर जनरेटर्स के ऊपर भी थोड़ा सा और अपग्रेड करेंगे अगली वीडियो में। और मेरे को लगता है आज के वीडियो के लिए बस इतना ही काफी था, और जो तुम कह रहे हो बड़ी वीडियो के लिए, यार मैं ट्राई करता हूँ ये, बट नहीं होती भाई, ठीक है। लाइक मैं बड़ी वीडियो बना तो दूँ, पर उसमें वॉच टाइम कतई नहीं आता है, मैं इसीलिए नहीं करता यार वॉच टाइम वगैरह के चक्कर में ना, अब समझा करो ये चीज़ें, ठीक है। तो 10 मिनट की वीडियो रहती है, काफ़ी अच्छी रहती है, तो समझ जाओ बस इतना काफ़ी रहता है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था, आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा। अगर वीडियो में थोड़ा सा ही मज़ा आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलूंगा किसी और दिन किसी और फॉरवर्ड साथ, तब तक के लिए बाय बॉयज।